प्रदेश के हरदोई में अपने तय कार्यक्रम के अनुसार जिले में पहुंचे डीजीपी ओपी सिंह ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की और उसके बाद पुलिस अफसरों के साथ अपराध समीक्षा की बैठक की। डीजीपी ने कहा कि पिछले दो सालों में यूपी में अपराधों में अप्रत्याशित कमी आई है। यह भी कहा कि दो वर्षों में प्रदेश में जहां एक भी दंगा नहीं हुआ, वहीं साहसिक मुठभेड़ में पुलिस ने कई दुरांत अपराधियों को मार गिराया है। इस दौरान पुलिस की संवेदनशीलता व परफॉर्मेंस में भी सुधार आया है। डीजीपी ने संडीला कोतवाली का निरीक्षण किया और उसके बाद हरदोई पहुंचे। यहां जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की और कई लोकार्पण करने के बाद पुलिस लाइन में डिजिटल वॉलंटियर के साथ बैठक कर उन्हें प्रमाण पत्र दिए। इसके बाद डीजीपी मीडिया से मुखातिब हुए। डीजीपी ने कहा कि पिछले दो सालों में प्रदेश में अपराध में अप्रत्याशित कमी आई है। इस दौरान अपराध में संलिप्त गैंगों को चिन्हित किया गया है। कहा कि साहसिक मुठभेड़ में पुलिस ने कई दुरांत अपराधियों को मार गिराया है। नाबालिग लड़कियों के साथ होने वाली घटनाओं की स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग की गई है। औरैया में हुई ऐसी एक घटना में 20 दिन के अंदर दोषी को सजा दिलाई गई। कानपुर नगर, कानपुर देहात व आगरा में भी पुलिस ने महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं की कुशल पैरवी की। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में आईजी डीआईजी को नोडल नामित किया गया। सभी मामलों में दोषियों की गिरफ्तारी हुई है। टेक्नोलॉजी, मैन पावर, संवेदनशीलता व परफॉर्मेंस के क्षेत्र में पुलिस विभाग मजबूत हुआ है। पुलिस की सक्रियता से सभी वर्गों के त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में उत्साहपूर्वक मनाए गए। पत्रकारों को बताया कि पुलिस कर्मियों की आवासीय समस्या दूर करने के लिए सरकार गंभीर है। थानों के अंदर बैरक और हॉस्टल के निर्माण किए जाएंगे, जिसके लिए सूबे के 1568 थानों में पहले फेज के लिए 322 थानों का चयन किया गया है, जिसमें विवेचकों के लिए अलग रूम बनाए जाएंगे और हॉस्टल का निर्माण होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 1920 करोड़ रुपया दिया है, जिसका अगले एक साल के अंदर उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार ने पुलिस कर्मियों की आवासीय समस्या के निदान के लिए बजट में 6000 करोड़ का इजाफा किया है। पुलिस फोर्स की सभी समस्याओं का निदान किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पिछले दो वर्षों से निरंतर अपराध को रोकने में और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पूरे प्रदेश में पिछले दो वर्षों से कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। 70,000 से अधिक हमारे धार्मिक जुलूस निकाले गए हैं और लगभग 30-35% महत्वपूर्ण अपराधों में इस पूरे प्रदेश में कमी आई है, चाहे वो लूट हो, डकैती हो, हत्या हो या फिरौती के लिए अपहरण हो। जहां एक ओर हमने अपराधों पर नियंत्रण पाया है, वहीं हमने अपराधियों के विरुद्ध काफ़ी कठोर कार्रवाई की है और उसी का नतीजा है कि लगभग 11,000 हमारे अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं और कई ऐसे हैं जिनके ऊपर इनाम घोषित था, उन्हें भी जेल के सीक्षों में बंद किया गया। कईयों ने अपने स्वयं आत्मसमर्पण कर जेल में जाना पसंद किया और जब कभी किसी दुर्दांत अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की, हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से उसका सामना किया और इस पूरी प्रक्रिया में 101 अपराधी मारे गए और इस पूरे पुलिस मुठभेड़ में हमने भी अपने बहादुर जवानों को खोया। हमारे लगभग 600 जवान और पुलिसकर्मी घायल हुए और 5 हमारे ऐसे पुलिसकर्मी थे जो कर्तव्य परायणता में शहीद हुए। हमने अपराध को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने गैंगस्टर्स एक्ट लगाए, उनके इलगॉटन प्रॉपर्टी को सीज किया और लगभग 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को हमने गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) में जब्त किया। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लगाया, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की, चाहे वो आबकारी से हो संबंधित या आर्म्स एक्ट से संबंधित हो, इन सबों में हमने सफलता पाई। जहाँ एक ओर हमने अपराधियों पर शिकंजा कसा, वहीं दूसरी ओर हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए और यही कारण है कि महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध में अप्रत्याशित कमी आई है।
और कमी की एक वजह ये भी है कि हमने अपने ऑपरेशनल क्षमता को आगे बढ़ाया है, चाहे हमारा एंटी रोमियो स्क्वाड हो, 1090 हो, या UP 100 जो अब UP 112 हो गया है, उसके माध्यम से जो हमने रोबस्ट पुलिसिंग की है उसका नतीजा है कि महिलाओं के प्रति सुरक्षा की भावना बढ़ी है। अयोध्या को लेकर क्या तैयारी, अयोध्या का फैसला आना, इसको लेकर क्या तैयारी? अयोध्या के बारे में मैं बता दूं कि हमारी पूरी तैयारी है, पूरा प्रदेश जो है वो सतर्क है। हमने फुट पेट्रोलिंग के जरिए, पीस कमेटी के मीटिंग्स के जरिए हमने चैतन्यता बरकरार रखा है। हमने सभी पुलिस अधीक्षकों को और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को निर्देशित किया है कि समुदाय से, जनता से संपर्क बनाए रखें, और किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं होगा। हमने पूरी कर्मठता के साथ और पूरे व्यापक तौर पर प्रदेश के कोने कोने में हम निगरानी रख रहे हैं। हमने अपने इंटेलिजेंस मशीनरी को गेयरअप कर रखा है, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे पुलिसकर्मी जगह जगह पर सब पर नज़र रखे हुए हैं, और यदि ज़रूरत होगी तो हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा सकते हैं उन अपराधियों के विरुद्ध या उन असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जो किसी भी तरह से इस वातावरण को दूषित करने में लगे रहेंगे। तो हमारी पूरी सतर्क दृष्टि है उससे। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।